So in this video, we are going to discuss the solution of question number 1 to 10 of the Geotech practice sheet. Let us start with the question number 1. The question number 1 says, determine the level up to which water will rise in a piezometer inserted at point R. Point R पे अगर कोई piezometer insert किया गया तो कितनी height तक के water rise होगा, तो हमको H की value find out करना है ना इस question में. तो आपको देखिए, starting point P, end point Q पे आपको हेड लेवल गिवन है 450 mm और 50 mm, इसकी हेल्प से, और हमको ये डिस्टेंसेस गिवन है, इसकी हेल्प से हम लोग बड़ी सिंपल तरीके से निकाल लेंगे, है ना. मैं आपसे इंसिस्ट करूंगा कि अगर आपको ये समझ में नहीं आता कैसे करेंगे, तो मैंने इसका वीडियो बना रखा है, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन सीपेज. आप पहले उन स्टेप्स को समझिए, उस कॉन्सेप्ट को समझिए, तभी आपको ये सॉल्यूशन समझ में आएंगे. और एक और चीज, सबसे पहले आपने उस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए और फिर डायरेक्टली आप सॉल्यूशंस को देखिएगा, है ना. तो हम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं सॉल्व करने का. लेट अस सी. हमारा पी पे टोटल हेड गिवन है, तो हम लिख लेते हैं यहां पे टोटल हेड, दैट इज एट पी. टोटल हेड पी इज गिवन 450 mm, 450 mm है टोटल हेड एट पी. टोटल हेड एट क्यू आपको दिख रहा है यहां पे, हेड एट क्यू दिख रहा है 50 mm. तो हमको दिख रहा है यहां पे टोटल हेड पी का ज्यादा है. टोटल हेड एट पी इज मोर देन टोटल हेड एट क्यू. तो फ्लो कहां से होगा, जहां पे ज्यादा हुआ हेड होता है वहां से स्लो हेड में. तो फ्लो विल टेक प्लेस फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू की तरफ फ्लो चलेगा. पी के पास एनर्जी, तो हम एक लाइन डायग्राम बनाते हैं इस तरीके का हमेशा. पी पे एनर्जी है 450, क्यू पे एनर्जी है 50. तो जब पानी पी से क्यू फ्लो रहा है तो कितनी एनर्जी का लॉस जा रहा है, टोटल एनर्जी जो लॉस हो रही है दैट इज 400. तो 450 का स्टार्टिंग में था, एंड 50 बचा, देयर इज अ लॉस ऑफ 50. हमको निकालना है आर पे कितनी एनर्जी होगी, तो हमको निकालना है आर पे कितनी एनर्जी होगी. तो हम देखते हैं पहले कि हम बोलेंगे कि पी से क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना है. पी से क्यू के बीच का डिस्टेंस है 220 + 100. 220 + 100 इज द डिस्टेंस, दैट इज 320 mm. तो हम क्या बोलेंगे, इन अ डिस्टेंस ऑफ 320 mm, 320 mm के डिस्टेंस पे कितना एनर्जी का लॉस हुआ, द एनर्जी लॉस इज 400 mm. तो एनर्जी लॉस इज 400 mm. देयर फोर पी से आर के बीच का डिस्टेंस कितना है, पी से आर के बीच का डिस्टेंस आपको दिख रहा है 220 mm फिगर में, 220 mm. देयर फोर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 220 mm कितनी एनर्जी का लॉस होगा, 320 mm में 400 mm का लॉस होता है, तो 220 mm में कितने का लॉस होगा, तो हम बोलेंगे 400 डिवाइड बाय 320 इंटू 220. द वैल्यू कम्स आउट टू बी, आप कैलकुलेट करिए, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 275 mm. द वैल्यू कम्स आउट टू बी 275 mm, 275 mm ये वैल्यू आती है ना. तो हमने बोला पी से आर जब वाटर ट्रेवल करेगा तो एनर्जी कितनी लॉस होती है, 275 की एनर्जी लॉस जाती है. यहां पे एनर्जी थी 450 में से 275 लॉस हो गई, तो आर पहुंचते पहुंचते कितनी एनर्जी बची होगी, आर पहुंचते पहुंचते एनर्जी कितनी बची होगी, 175 mm, है ना. तो यहां पे जो हेड राइज होगा कितना होगा, 175 mm. तो बोलेंगे टोटल हेड एट आर इज 175 mm. तो एच की वैल्यू जो हमारी आ रही है दैट इज 175 mm, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन अ सॉइल सेटअप हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 74 cm², एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है आपको. द इनिशियल एंड फाइनल हेड्स आर शोन. इनिशियल हेड आपको गिवन है पी पे और क्यू पे. द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज 1.25 × 10⁻⁴ cm², ठीक है. इफ द रेट ऑफ फ्लो थ्रू सॉइल सेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट टाइम इज 100 cm³/hr, देन एट वॉट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पॉइंट पी द पीजोमीटर हेड विल राइज 200 mm अबव डेटम. ये पूछ रहे हैं ऐसी कौन सी जगह, ऐसा कौन सा डिस्टेंस एक्स होगा जहां पर अगर आप पीजोमीटर डालोगे तो हेड कितना राइज होगा, 200 mm. ये उल्टा क्वेश्चन है. पहले वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन था और हमसे पूछे थे हेड कितना होगा, यहां पे आपसे डिस्टेंस पूछ रहे हैं. बिल्कुल सिमिलर टर्म्स पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमको हेड दे दिया है और हमसे पूछ रहे हैं कितने डिस्टेंस, वो एक्स क्या डिस्टेंस रहेगा जहां पे हाइट जो है 200 mm राइज करेगी. तो बिल्कुल सिमिलर टर्म्स पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. लेट अस अज्यूम कि एक्स डिस्टेंस पे ये चीज होगी, है ना. तो यहां पे हम एक पीजोमीटर ड्रॉ कर लेते हैं. उस पीजोमीटर में हमको लेवल पता है कितना है, 200 mm, ठीक है. तो हमको निकालना है कि 200 mm का डिस्टेंस एड कहां पे राइज होगा. तो वी नो कि हमको पता है पॉइंट पी ले लेते हैं, सेम टर्म्स पे पॉइंट क्यू ले लेते हैं. हमको दिख रहा है यहां पे कि पॉइंट
पॉइंट पी पे हेड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्यू, तो फ्लो विल अकर फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू, पॉइंट पी से क्यू में फ्लो होगा। पी के पास एनर्जी है 650 mm की, पी के पास एनर्जी 650 mm की, क्यू के पास एनर्जी 50 mm की, तो कितने का लॉस हो रहा है रास्ते में, देर अ लॉस ऑफ 600 mm, 600 mm का लॉस हो जा रहा है ना। कितने डिस्टेंस में पी से क्यू में लॉस हो रहा है, तो द डिस्टेंस इज 200 mm, 200 mm में पी से क्यू में 50 mm का लॉस हो रहा है। तो हम बोलेंगे अगर 200 mm में, इफ इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 mm द लॉस इज 600 mm, तो फिर x डिस्टेंस में कितना लॉस होगा। या फिर हम इसको उल्टा कोट करेंगे, हम बोलेंगे 600 mm का लॉस होता है, 600 mm एनर्जी का लॉस होता है इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 mm, 200 mm डिस्टेंस पे, तो हम बोलेंगे 200 mm का लॉस। देखो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है 650 mm, जो पी पॉइंट पे एनर्जी कितनी 650 mm, और हमारे पास ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये है हमारे पास लेट अस ज़ूम वो आर पॉइंट है एट डिस्टेंस ऑफ एक्स, डिस्टेंस ऑफ एक्स इज आर पॉइंट, और यहाँ पे एनर्जी कितनी है, द एनर्जी इज 200 mm। तो इस बीच में कितना लॉस हो रहा है, इन दोनों के बीच में कितना लॉस हो रहा है, 650 और 200 के बीच में द लॉस इज 450। ठीक है, तो हम बोलेंगे 600 mm डिस्टेंस पे 200 mm का लॉस हो रहा है, या फिर 600 mm का लॉस हुआ कितने डिस्टेंस पे, 200 mm डिस्टेंस पे, तो 450 mm का लॉस होगा कितने डिस्टेंस पे, दैट विल बी 200 डिवाइड बाय 600 इंटू 450, दैट इज 150 mm। तो हम बोलेंगे 150 mm डिस्टेंस पे 450 mm का लॉस होगा, उल्टा कर दिया हमने। ठीक है, हमने बोला 600 mm का लॉस हो रहा है कितने डिस्टेंस में, 200 mm डिस्टेंस पे, तो 600 mm का लॉस, ये 600 mm का लॉस दिख रहा है आपको इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 mm, तो हम बोलेंगे 450 mm का लॉस कितने डिस्टेंस में होगा, दैट विल बी एट डिस्टेंस ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स डिस्टेंस कितना आ गया, 150 mm इज द आंसर। तो जब आप 150 mm मूव करोगे तो आपको जो है वैल्यू मिलेगी 150 mm। क्लियर है, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिमिलर ट्रांसफर क्वेश्चन है। उसी तरीके का क्वेश्चन देखिए, वाटर फ्लोज फ्रॉम पी टू क्यू थ्रू टू सॉइल सैंपल, सॉइल वन एंड सॉइल टू। ठीक है, दो टाइप की सॉइल दे दी अब हमको, सॉइल वन और सॉइल टू, हैविंग सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया सेम है, द पीजोमीटर हेड्स एट स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स पी एंड क्यू इज शोन इन द फिगर, द लेवल अप टू विच वाटर विल राइज इन अ पीजोमीटर इंसर्टेड एट पॉइंट आर इफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल वन इज ट्वाइस द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल टू। सॉइल वन और सॉइल टू की परमेबिलिटी में डिफरेंस है, दोनों की परमेबिलिटी सेम नहीं है। हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि जब पानी ट्रैवल कर रहा है तो दो अलग अलग टाइप की सॉइल से होते हुए जा रहा है। अगर आपकी गाड़ी जाएगी तो दो अलग अलग हाईवे से होते हुए जा रही है, हाईवे नंबर वन और हाईवे नंबर टू। जब हाईवे नंबर वन में जा रही है तो गाड़ी अलग रास्ते से जा रही है, जब हाईवे नंबर टू में जा रही है तो गाड़ी अलग स्पीड से जा रही है ना। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम डायरेक्टली परम्यूटेशन डायरेक्टली हम इसमें प्रोपोर्शनलिटी वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एनर्जी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, हमको निकालना क्या है, आर पे कितना हाइट होगा, एच निकालना है हमको, सारे डिस्टेंसेस गिवन है, हमको गिवन है क्या वैल्यू, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल वन के वन इज ट्वाइस द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल टू। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमको पता है के वन इज ट्वाइस के टू। कुछ पॉइंट्स का नाम देते हैं, एक पी और क्यू नाम दिया हुआ है, एक जो मिड हाइट है, हमेशा मिड हाइट का निकालना वैल्यू जरूरी होती है। हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, सॉरी इसको हम लोग दूसरा नाम देना पड़ेगा ना, आर तो ये है ही, हम इसको नाम देते हैं टी, पॉइंट टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पॉइंट टी पे कितना हेड होगा वो निकालेंगे और फिर आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट टी पे निकालते हैं कि कितनी एनर्जी बची है। तो हम बोलेंगे टोटल हेड एट पी इज इक्वल्स टू 750 mm। ठीक है, टोटल हेड एट क्यू इज इक्वल्स टू 100 mm। तो टोटल एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है इस पूरे सिस्टम में, कैपिटल डेल्टा एच, टोटल एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है, कैपिटल डेल्टा एच इज इक्वल्स टू 750 माइनस 100, दैट इज 650 mm। टोटल एनर्जी का लॉस हो रहा है 650 mm एनर्जी का लॉस हो रहा है, टोटल एनर्जी। ठीक है, अब हमको क्या गिवन है, के वन इज इक्वल टू 2K2। हमको पता है क्योंकि पानी का फ्लो कैसा हो रहा है, पानी पैरेलली फ्लो हो रहा है एक लाइन से दूसरी लाइन में, इसीलिए हमको पता है क्या कि क्यू डिस्चार्ज इन सॉइल वन
इज इक्वल्स टू डिस्चार्ज इन सॉइल टू, क्यू वन इज इक्वल्स टू क्यू टू, ठीक है, डिस्चार्ज इन सॉइल वन इज इक्वल्स टू डिस्चार्ज थ्रू सॉइल टू। क्यू वन का फॉर्मूला पता है, क्यू इज इक्वल्स टू के आई ए, तो हम बोलेंगे के वन डेल्टा एच वन डिवाइडेड बाय एल वन इंटू एरिया ऑफ वन इज इक्वल्स टू के टू डेल्टा एच टू डिवाइड बाई एल टू इंटू एरिया ऑफ टू। हमको क्वेश्चन में गिवन था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है दोनों जगह की, तो ए वन और ए टू कैंसिल हो जाएगा। लेंथ सॉइल वन और सॉइल टू की गिवन है हमको, के वन और के टू में रिलेशनशिप गिवन है क्या, के वन इज इक्वल टू टू के टू, तो हम के वन की जगह क्या पुट अप कर देते हैं, लेट अस पुट के वन की जगह टू के टू, टू इंटू के टू है ना इंटू डेल्टा एच वन। लेंथ वन कितनी गिवन है, सॉइल वन की लेंथ है, सॉइल वन की लेंथ आपको गिवन है 100 mm, तो हम सॉइल वन की लेंथ जगह लिख लेते हैं 100 विज इक्वल्स टू के टू इज के टू डेल्टा एच टू इज डेल्टा एच टू। लेंथ टू आपको गिवन है कितनी, 200 mm इंटू ए टू, तो कैंसिल हो गया, तो के टू से के टू कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास डेल्टा एच वन और डेल्टा एच टू में एक रिलेशनशिप आ रहा है, देखो क्या रिलेशनशिप आ रहा है, डेल्टा एच वन और डेल्टा एच टू में हमारे पास एक रिलेशनशिप आया है, डेल्टा एच टू इज इक्वल्स टू डेल्टा एच टू इज इक्वल्स टू फोर इंटू डेल्टा एच वन, फोर इंटू डेल्टा एच वन, ये हमारे पास एक रिलेशनशिप डेल्टा एच टू इज इक्वल्स टू फोर इंटू डेल्टा एच वन, ठीक है। अब आप देखिए हमको टोटल डेल्टा एच पता है 650 mm, हम क्या बोल सकते हैं, क्या टोटल हेड लॉस इन सॉइल वन प्लस टोटल हेड लॉस इन सॉइल टू इज इक्वल्स टू टोटल हेड लॉस ऑफ द सिस्टम, इज इक्वल्स टू टोटल हेड लॉस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो टोटल हेड लॉस सॉइल वन में कितना है, टोटल हेड लॉस इन सॉइल वन हमको पता है, रिलेशनशिप पता है, यहाँ से रिलेशनशिप को कॉपी करेंगे, डेल्टा एच टू की जगह रखेंगे 4 इंटू डेल्टा एच वन प्लस 4 इंटू डेल्टा एच वन इज इक्वल्स टू कैपिटल डेल्टा एच, आपको पता है 650 mm है, कैपिटल डेल्टा एच इज 650 mm, तो हमको डेल्टा एच वन की वैल्यू मिल जाएगी, डेल्टा एच वन विल बी इक्वल टू, डेल्टा एच वन इज कमिंग आउट टू बी 130 mm, ओके। तो ये हमारे पास डेल्टा एच वन की वैल्यू आ गई। इसका मतलब सॉइल वन में कितना लॉस हो रहा है, इसका मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब ये है कि सॉइल वन में कितना लॉस हो रहा है, इसका मतलब सॉइल वन में लॉस हो रहा है आपके पास 130 mm का। अब अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे जैसा हम लाइन डायग्राम बनाते आए हैं, तो हम देखिए लाइन डायग्राम को समझ लेते हैं इसमें कैसा आएगा। ये हमारे पास एक लाइन डायग्राम है, ये हमारे पास सॉइल है, पॉइंट है पी, दिस इज द पॉइंट क्यू, ये पॉइंट क्यू है हमारे पास, एक बीच में पॉइंट टी है, हमको निकालना है पॉइंट आर पे वैल्यू, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं सॉइल वन में कितना लॉस हो रहा है, दिस इज द हेड लॉस इन सॉइल वन, हेड लॉस इन सॉइल वन इज 130 mm, पॉइंट पी पे कितनी एनर्जी है, पॉइंट पी पे एनर्जी है 750, पॉइंट क्यू पे कितनी एनर्जी है 100, पी से लेकर पॉइंट टी तक के, पी से लेकर पॉइंट टी तक के कितनी एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो फ्रॉम पी टू टी द एनर्जी लॉस इज 130 mm, तो टी पे कितनी एनर्जी बची है हमारे पास, एनर्जी बची है हमारे पास 620 mm, 620 mm एनर्जी बची है हमारे पास, ठीक है। तो एनर्जी कितना एनर्जी लॉस हुई 130, एनर्जी कितनी बची 620। अब देखिए टी पे एनर्जी आपको मिल गई 620, हमको आर पे एनर्जी निकालना है, टी से लेकर क्यू तक की सॉइल जो है एक जैसी है, अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं, तो हम बोलेंगे फ्रॉम पॉइंट टी क्यू, टी क्यू में कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, टी क्यू द हेड लॉस इज हाउ मच, हेड लॉस इज 620 टू 100, कितना है 620 से 100, मतलब कितना एनर्जी का लॉस हुआ है 520, इन अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच 200 mm, तो हम बोलेंगे इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 mm, इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 mm द एनर्जी लॉस इज 520, देयरफॉर इन अ डिस्टेंस ऑफ दिस, ये वाला डिस्टेंस कितना है टी से आर का, टी से आर का डिस्टेंस है 20 mm, सो इन अ डिस्टेंस ऑफ 20 mm द एनर्जी लॉस विल बी 520 डिवाइड बाय 200 इनटू 20, क्लियर है, विच इज इक्वल्स टू 52 mm, 52 mm का एनर्जी का लॉस हो रहा है यहां से यहां तक के, तो अगर ये 52 mm एनर्जी का लॉस हो रहा है यहां पे, तो आर पे कितनी एनर्जी बचेगी, द एनर्जी रिमेनिंग एट आर विल बी 620 माइनस 52, दैट इज 568, दिस 568, 620 माइनस 52 दैट विल गिव यू 568, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, एच इज इक्वल्स टू 568 mm।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इन्हीं टर्म्स पे क्वेश्चन है। इन द सॉइल टेस्टिंग एपरेटस फ्लो इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम ए टू बी, द हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट ऑफ सॉइल वन एंड सॉइल टू आर 1.0 एंड 1.6 रिस्पेक्टिवली। इफ द टोटल हेड एट इंटरफेस ऑफ सॉइल ए एंड बी इज 80 mm, द टोटल हेड एट बी एंड ए पॉइंट विल बी रिस्पेक्टिवली। आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी पे टोटल हेड पूछ रहा है, मतलब ये कितना एनर्जी राइज करेगा ये आपसे पूछ रहे हैं। दिस इज वॉट दे आर आस्किंग फ्रॉम ए टू बी। बोल रहे हैं फ्लो कहाँ से हो रहा है, फ्लो ए से लेकर बी तक की हो रहा है। आपको हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट गिवन है सॉइल वन और सॉइल टू का। सॉइल वन का हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट है 1.0, सॉइल टू का हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट है 1.6, है ना। आई आपको गिवन है 1.0। देखो इसका कैसे यूज करेंगे हम लोग। तो हमारे पास हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट ऑफ सॉइल वन इज गिवन 1.0, हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट ऑफ सॉइल टू इज 1.6। आपको याली एनर्जी गिवन है 80 mm, आपसे पूछ रहे याली एनर्जी कितनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल टू की। लेट्स टॉक अबाउट सॉइल टू। तो ये सॉइल टू है आपके पास। सॉइल टू में स्टार्टिंग में एनर्जी कितनी गिवन है, कितनी हमारे पास 80 mm। क्वेश्चन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन है, क्वेश्चन में मेंशन है कि फ्लो इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम ए टू बी। फ्लो ए से बी हो रहा है, मतलब पहले फ्लो ए पे होगा। अगर हम इस पॉइंट को क्यू माने तो पहले पॉइंट ए आएगा, फिर पॉइंट क्यू आएगा और फिर पॉइंट बी आएगा। मतलब ए पे एनर्जी ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू क्यू। बात समझ आ रही ना। तो ए पे एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो जो भी एनर्जी रहेगी ए पे, जो भी डेल्टा एच रहेगा वो ज्यादा रहेगा। इसको हमने लिखा एच, डेल्टा एच नहीं, इसको हम लिखेंगे एच। तो हम बोलेंगे जो भी एच एनर्जी ए पे रहेगा वो थोड़ा ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू जो एनर्जी क्यू पे रहेगी। तो ये अगर क्यू पॉइंट है और अगर ये ए पॉइंट है, तो हमको पता है एनर्जी एट ए इज मोर देन एनर्जी एट क्यू। ठीक है, अब हमको पता हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट क्या होता है। व्हाट इज हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट, हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट इज नथिंग बट डेल्टा एच डिवाइड बाय एल। आपको सॉइल टू के लिए हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट गिवन है कितना 1.6, तो हमें वैल्यू पुट अप करेंगे 1.6। हम बोलेंगे व्हाट इज हेड लॉस इन सॉइल, इन दिस सॉइल, हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट सॉइल टू इज इक्वल टू हेड लॉस इन सॉइल टू इक्वल टू लेंथ ऑफ सॉइल टू। व्हाट इज हेड लॉस इन सॉइल टू, एच ए माइनस 80। व्हाट इज लेंथ ऑफ सॉइल टू, सॉइल टू की लेंथ कितनी गिवन है आपको, वह 50 mm गिवन है क्वेश्चन में, 50 mm। तो मान लेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, एच ए, एच ए एनर्जी इन सॉइल वन इज हाउ मच, दैट इज 160 mm। एच ए इज कमिंग आउट टू बी 160 mm, और ये वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, है ना। तो ये वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। ये हमारे पास पहले वाले सॉइल का एच ए आ गया। अच्छा, नेक्स्ट वाला निकाल लेते हैं, सिमिलर टर्म्स पे हम लोग निकालेंगे अभी। अब आप देखो, क्यू पॉइंट पे, अब हमारा कहानी कहां पे आ रही है, क्यू पॉइंट पे। क्यू पॉइंट पे एनर्जी आपको पता है 80 mm है। हमको पता है बी पॉइंट पे जो भी हेड होगा वो इससे कम होगा, तो हमने बोला एच बी। बी पॉइंट पे जो भी हेड होगा वो एटलीस्ट क्यू से तो कम ही रहेगा, तो बी पॉइंट पे जो हेड रहेगा क्यू से कम रहेगा। अब हम यही वाला सिमिलर फॉर्मूला लगा लेते हैं, बट हम ये वैल्यूज चेंज कर देंगे। क्या वैल्यूज लिखेंगे, I1 इज इक्वल टू डेल्टा H1 इज इक्वल टू L1। सिमिलर, I1 आपको गिवन है क्वेश्चन में 1.0, डेल्टा H1 क्या होगा, हेड लॉस इन सॉइल 1 इज नथिंग बट 80 माइनस HB, डिवाइड बाई लेंथ ऑफ सॉइल इज 80। तो हम बोलेंगे 80 इज इक्वल टू 80 माइनस HB, HB विल बी इक्वल टू 0 mm, HB विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमको पता है वैल्यू क्या आएगी, 0.160। हमको वैल्यू पता है क्या आएगी, 0.160। आपसे क्या पूछा है पहले, द टोटल हेडेड बी एंड ए पॉइंट विल बी, तो बी पे पहली वैल्यू लिखेंगे 0 और ए पे लिखेंगे 160 mm। दिस इज आंसर नंबर थर्ड। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ सॉइल सेटअप शोन इन द फिगर, टू सॉइल सैंपल्स आर प्लेस्ड, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल टू इज थ्राइस, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल टू इज थ्राइस द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल वन। सॉइल टू की जो परमेबिलिटी है के टू इज थ्राइस के वन, ये इंपॉर्टेंट है हमको लिखना। डिटरमाइन द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पॉइंट पी एट विच पीजोमीटर शुड बी इंसर्टेड टू गेट 350 mm हेड राइज अबव डेटम। ऐसा कौन सा डिस्टेंस रहेगा एक्स जहां पे अगर हम पीजोमीटर इंसर्ट करेंगे हेड कितना राइज करेगा, 350 mm।
हमको ये पता नहीं है कि ये पॉइंट सॉइल वन के अंदर आएगा कि पॉइंट सॉइल टू के अंदर आएगा कि बीच में आएगा, तो हमको ये पता नहीं है। तो हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि सॉइल वन में कितना लॉस हो रहा है। अगर हम सॉइल वन में लॉस निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा सॉइल वन तक के कितना लॉस हुआ है, तो हम पता लगा लेंगे कि 350 mm इसके पहले आएगा कि इसके बाद में आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, 350 mm निकालने के लिए सबसे पहले हम इंटरफेस पे एक पॉइंट आर ले लेते हैं जहाँ पे हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहे तो इंटरफेस पे सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लो। हम जो डेटा है वो लिख लेते हैं के टू इज इक्वल्स टू 3 of K1, के टू इक्वल टू 3 K1 डेटा गिवन है हमको। अब सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो सॉइल वन और सॉइल टू के बाद में की वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं। एक पॉइंट हम मान लेते हैं आर जो कि इंटरफेस है, हम उस पर वैल्यूज भी फाइंड आउट करेंगे सिमिलर टर्म्स पे जैसे हमने पहले किया था। आपको पता है टोटल हेड एट पी कितना है, टोटल हेड पी पे कितना है 6,650, टोटल हेड एट क्यू कितना है 90 mm। तो टोटल हेड लॉस कितना हो रहा है, पूरे सिस्टम का टोटल हेड लॉस कितना है, 650 - 90, दैट इज अ हेड लॉस ऑफ 560 mm। टोटल हेड लॉस है 560 mm का। अब हमको रिलेशनशिप पता है क्या, हमको पता है पैरेलल फ्लो है तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम गिवन है हमको, सिंस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम, हम क्या बोलेंगे Q इज इक्वल टू KIA K1 डेल्टा H1 L1 इंटू एरिया ऑफ वन विच इक्वल टू K2 डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय L2 इंटू एरिया ऑफ टू। है ना, हमको K2 और K1 में रिलेशनशिप गिवन है, L1 और L2 की वैल्यू अलग अलग गिवन। लेट अस पुट अप, K2 की जगह पुट अप करेंगे 3K1, K2 की जगह लेट अस पुट अप 3K1। तो K1 इंटू डेल्टा H1, लेंथ ऑफ सॉइल 1 इज 100 mm, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों के, K2 की जगह पुट अप करेंगे 3 of K1, डेल्टा H2 विल रिमेन डेल्टा H2 एंड L2 की वैल्यू इज गिवन 150 mm, L2 की वैल्यू गिवन है 150 mm। तो यहाँ से हमको K1 और K1 कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा H1 और डेल्टा H2 में एक रिलेशनशिप मिल रहा है, डेल्टा H2 इज इक्वल टू 0.75। सो डेल्टा H2 इज इक्वल टू, सो डेल्टा H1 इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा H2, डेल्टा H1 इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा H2, ये हमारी वैल्यू है, डेल्टा H1 इज इक्वल टू 2 इंटू ट्वाइस ऑफ डेल्टा H2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, हमको निकालने वाला सिस्टम में वैल्यू पुट अप करेंगे डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, हेड लॉस इन सॉइल 1 प्लस हेड लॉस इन सॉइल 2 इज इक्वल टू टोटल हेड लॉस दैट इज 560 mm। डेल्टा H1 की जगह पुट अप करेंगे 2 इंटू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H2 इज इक्वल टू टोटल हेड इज 560 mm। तो हमको डेल्टा H2 की वैल्यू मिल जाएगी और डेल्टा H1 की वैल्यू मिल जाएगी। व्हाट इज डेल्टा H2 एंड डेल्टा H1, देखो डेल्टा H2 इज 186.67, 186.67 एंड डेल्टा H1 इज 373.34। डेल्टा H1 इज 373.34 mm। तो हमको पता है कि P से R के बीच में कितना हेड लॉस हुआ है, 373.34 mm। तो इसका कैसे यूज करेंगे आप देखो, हाउ विल वी यूज दिस, तुम्हारे पास P, R और Q गिवन है, देखो ये हमारे पास पॉइंट P है, दिस पॉइंट R, दिस पॉइंट Q। P पे हमारे पास एनर्जी है 650 की, Q के पास हम एनर्जी है हमारे पास 90 की, P से R के बीच में कितना लॉस हो रहा है, P से R के बीच में हमारे पास 373.34 का लॉस हुआ। तो R के पास कितनी एनर्जी बची, टोटल हेडेड R कितना बचा हमारे पास 276.66, 276.66 का लॉस एनर्जी बची यहाँ पे R पॉइंट पे। तुम्हारे पास 276.66, हमसे पूछ रहा था क्या क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि 350 mm की एनर्जी कहाँ पे होगी, तो हमसे पूछ रहा 350 mm का कहाँ पे आएगा, तो P से R के बीच में, P पे एनर्जी 650 है, R पे एनर्जी 276.66 है, P से R के बीच में कहीं पे एनर्जी कितनी होगी 350 mm होगी। तो हम वो डिस्टेंस निकालना चाहते हैं किस डिस्टेंस एक्स पे 350 mm एनर्जी होगी, तो 650 P पे है, 276 R पे है, 350 कहीं ना कहीं बीच में होगी, तो हम बोलेंगे वो एनर्जी कहाँ पे होगी, कहीं ना कहीं बीच में P और R के बीच में वो एनर्जी होगी। तो हम बोलेंगे P से R के बीच में कहीं पॉइंट एक X होगा जहाँ पे एनर्जी कितनी होगी 350 mm। कितने डिस्टेंस पे होगा वो पॉइंट X, वो पॉइंट होगा X डिस्टेंस पे। ठीक है, तो हम बोलेंगे P से R के बीच का डिस्टेंस कितना है, P से R के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है 100 mm, 100 mm या फिर हम बोलेंगे 373
0.34 mm energy is lost in 100 mm distance, in 100 mm distance, तो 300 mm energy कितने समय distance में loss होगी, 300 mm energy will be lost in 100 divided by 373.34 into 300. तो distance comes out to be 80.35 mm. The x distance is 80.35 mm. ठीक है, इसको एक बार और आप समझ लीजिए. ये जो हमारी टाइमलाइन है, ये जो हमारी फ्लो लाइन है, वो P है, यहाँ पे पॉइंट R है आपके पास, और यहाँ पे पॉइंट है Q. पॉइंट P पे आपको एनर्जी पता है 650, पॉइंट Q पे आपको एनर्जी पता है 90 mm, R पे हमने अभी एनर्जी निकाली 276.66 mm, ये हमको एनर्जी पता है. तो हमने बोला P से R के बीच में कहीं ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे 350 होगी. P पे 650 है, बीच में 276 है. R से Q के बीच में तो सारे पॉइंट 276 से कम एनर्जी वाले होंगे, राइट. R, P और R के बीच में कोई पॉइंट होगा जहाँ पे 350 mm एनर्जी होगी. तो हम बोलेंगे लेट अस अज्यूम वो पॉइंट X है, जहाँ पे एनर्जी कितनी है 350. दैट एनर्जी इज 350, ऐसा पॉइंट X है. हमने बोला P से R के बीच में कितना लॉस हुआ, 373.34. तो हम बोल रहे हैं 373.34 एनर्जी का लॉस हुआ इन अ डिस्टेंस ऑफ 100 mm. ये कितना डिस्टेंस है, 100 mm. तो हम बोल रहे हैं इतनी एनर्जी का लॉस कितना होगा, ये एनर्जी का लॉस कितना है, 650 था, 350 बचा, कितना बचा एनर्जी, 300. तो बोल रहे हैं 300 mm एनर्जी का जो लॉस होगा वो कितने डिस्टेंस में होगा, 300 mm एनर्जी का लॉस कितने डिस्टेंस में हो रहा है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ 80.35 mm. बहुत सिंपल कैलकुलेशन है इसके. ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. ओके, लेट अस सी दिस क्वेश्चन. टू सॉइल स्पेसिमेंस आर प्लेस्ड इन अ टेस्टिंग एपरेटस एज शोन इन द फिगर. ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल 1 एंड सॉइल 2. सॉइल 1 और सॉइल 2 में डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, 0.025 एंड 0.045 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यूनिट्स देखेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड. द फ्लो रेट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिस्टम इज 4×10⁻⁵ मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. 4×10⁻⁵ मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. आपको तो देखो जो डिस्चार्ज की यूनिट है उसमें पर मीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा लगा हुआ है. इसको अभी हम थोड़ा डिड्यूस करेंगे, इसमें क्या गिवन है आपको. इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉइल्स आर सेम, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ द सिस्टम इज. क्रॉस सेक्शन एरिया अगर सेम है तो हमसे पूछ रहे हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा. हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइड बाय एल. अगर आपने यहां से यहां में कितना एनर्जी का लॉस हो रहा है, अगर ये आपने डायरेक्टली हेड लॉस निकाल लिया, आपको पूरे सिस्टम की लेंथ तो पता ही है, तो अगर आपने डेल्टा एच बाय एल निकाले तो आपको सारी वैल्यू पता चल जाएगी. एल आपको पता है कितना है, एल आपको पता है 300 + 150 mm. तो इसमें अननोन क्या है, हेड लॉस फ्रॉम पॉइंट हियर टू पॉइंट हियर, यहां से यहां में कितना हेड लॉस हो रहा है ये हमको निकालना है. ठीक है, तो इस हेड लॉस को निकालने का, टोटल हेड लॉस को निकालने का तरीका क्या है, हम हेड लॉस इन सॉइल 1 निकाल लें और उसमें हेड लॉस इन सॉइल 2 को ऐड कर दें. तो हम दोनों का हेड लॉस निकाल सकते हैं, सॉइल 1 और सॉइल 2 का. लेट अस सी हाउ विल डू दैट. हम सॉइल 1 और सॉइल 2 का हेड लॉस कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं. ठीक है, लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ डिस्चार्ज दैट इज गिवन टू अस. सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये हमको गिवन है 0.025 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमको गिवन है 0.045 सेंटीमीटर पर सेकेंड. हमको डिस्चार्ज की वैल्यू गिवन है 4×10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. इसका मतलब आपको जो है क्यू नहीं गिवन है, आपको क्यू डिवाइड बाय, आपको क्यू डिवाइड बाय एरिया गिवन है. मीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर मतलब आपको क्या गिवन है, आपको Q डिवाइड बाय एरिया गिवन है. मतलब व्हाट इज गिवन, हमको वेलोसिटी गिवन है. वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 4×10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड. अगर हम इसको सिंपलीफाई करें इस यूनिट को तो हम इसको मीटर पर सेकेंड में कर सकते हैं, मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, मीटर पर सेकेंड. तो आंसर हमारा आएगा क्या में, मीटर पर सेकेंड में. ठीक है, लेट अस सॉल्व. एक सॉइल के लिए हम लोग वैल्यूज ले लेते हैं. सबसे पहले बात करते हैं सॉइल वन की. लेट अस टॉक अबाउट सॉइल वन की बात करते हैं. वेलोसिटी ऑफ सॉइल वन इज इक्वल टू, आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है K×I, है ना. तो K1 और I1,
अब हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ सॉइल वन कितनी है आपको गिवन है, 4 × 10⁻⁵ यूनिट है मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू के आपको गिवन है सॉइल वन का 0.025 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू आई आपको गिवन है, आपको पता नहीं है डेल्टा एच कितना होगा, तो हमको पता है लेकिन क्या हेड लॉस इन सॉइल वन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, हेड हेड एट सॉइल ए माइनस माइनस 150 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 300 mm, तो हमने इसको एच ए मान लिया, दिस पॉइंट को हमने एच ए माना है, एच ए माइनस 150 mm इज द हेड लॉस इन सॉइल वन। ठीक है, तो हमारे पास टोटल हेड एट सॉइल ए आ जाएगा, हमारे पास टोटल हेड एट सॉइल ए निकाल सकते हैं हम लोग, कैलकुलेट करेंगे पहले यूनिट्स को थोड़ा सा कटपिट कर देते हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर है इसलिए हम सेंटीमीटर की जगह क्या कर सकते हैं इसमें मीटर को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 10⁻²⁻ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हम इसमें 10⁻²⁻ मल्टीप्लाई करेंगे, 48 इज इक्वल्स टू एच ए माइनस 150, मतलब एच ए की वैल्यू कितनी आ रही है, एच ए की वैल्यू आ रही है बस 150 माइनस 48 वैल्यू का, सॉरी 150 प्लस 48 198, तो हमारे पास 198 mm वैल्यू आ गई एच ए की। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं ऐसे ही हम एच टू की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, एच टू की वैल्यू कितनी होगी, तो हम बोलेंगे वी टू इज इक्वल टू के टू इंटू आई टू, वी टू हमको पता है सेम ही रहेगा 4 × 10⁻²⁵ मीटर पर सेकेंड, के टू की वैल्यू आपको गिवन है 0.045 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू आई डेल्टा एच टू, डेल्टा एच टू कितना होगा 150 माइनस एच बी डिवाइड बाय एल लेंथ इज 150 mm, एच बी की वैल्यू आएगी हमारे पास 136.67 mm, 136.67 mm, तो हमारे पास एच बी की वैल्यू आ गई 136.67 mm, हमारे पास एच ए है, हमारे पास एच बी है, टोटल हेड लॉस कितना हो रहा है 198 माइनस 136.67, 198 माइनस 136.67 दैट इज 61.33, 61.33 mm, 61.33 mm का लॉस हो रहा है, टोटल एनर्जी का लॉस हो रहा है इतना पूरे सिस्टम में, तो पूरे सिस्टम का स्टार्टिंग एनर्जी कितनी है, इस सिस्टम की स्टार्टिंग एनर्जी देखो कितनी है, तो सिस्टम की स्टार्टिंग एनर्जी हमारे पास है 198 और सिस्टम की एंड वाले पॉइंट पे एनर्जी कितनी है 136.67, तो हम अगर आई की वैल्यू बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे आई की, तो आई हमारे पास कितना आ रहा है, इफ यू टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ आई, सिस्टम का आई कितना होगा, तो टोटल आई इज इक्वल टू आई विल बी इक्वल टू टोटल डेल्टा एच डिवाइडेड टोटल लेंथ, टोटल डेल्टा एच हमको मिल गया 61.33 और टोटल लेंथ हमको गिवन है 300 प्लस 150 दैट इज 450 mm, तो हमारे पास आई की वैल्यू आ रही है 0.136, तो सिस्टम का आई आ गया 0.136, क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, थ्री सॉइल स्पेसिमेन हैविंग डायमीटर 110 mm, 220 mm एंड 215 mm, अलग अलग डायमीटर, अब अभी तक के एरिया को सेम मान रहे थे, अब एरिया अलग अलग आ गई, इफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल टू इज 2/3 दैट ऑफ सॉइल वन एंड ट्वाइस दैट ऑफ सॉइल थ्री, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ सॉइल टू इज ब्लैंक mm पर डे, तो हम डायरेक्टली हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल लेंगे, ये क्वेश्चन में इस ये वाली मिस्टेक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज यूनिटलेस ऑलवेज। ठीक है, हमको एक रिलेशनशिप पता है, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल टू के टू इज 2/3 दैट ऑफ सॉइल वन, 2/3 दैट ऑफ सॉइल वन एंड ट्वाइस दैट ऑफ सॉइल थ्री, एंड ट्वाइस दैट ऑफ सॉइल थ्री, के टू इज ऑल्सो ट्वाइस दैट ऑफ सॉइल थ्री, तो हम ये वाली रिलेशनशिप लिखते हैं, के टू इज इक्वल्स टू टू बाय थ्री के वन और ट्वाइस सॉइल थ्री, ये हमको एक रिलेशनशिप गिवन है, के टू इज इक्वल टू 2/3 के वन एंड थ्राइस के थ्री, हमको निकालना क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ सॉइल टू निकालना, वी हैव टू फाइंड आउट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ सॉइल टू, कैसे निकालेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, अगर हमको हेड लॉस पता चल जाए सॉइल टू में, व्हाट इज रिमेनिंग हेड लॉस अगर हमको पता चल जाए सॉइल टू में, तो विद द हेल्प ऑफ हेड लॉस वी कैन कैलकुलेट दिस, हमको हेड लॉस कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हम
पूरे सिस्टम का हेड लॉस निकाल लेते हैं, दैट इज 50 mm और 150 mm, ये हमको टोटल हेड लॉस पता है सिस्टम का। अब हम रिलेशनशिप डेवलप करते हैं सॉइल 1, 2 और 3 के हेड लॉस में, तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। सॉइल 1, 2 और 3 के हेड लॉस में रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, K1 और K3 को K2 के टर्म्स में लिखेंगे, तो K1 विल बी इक्वल टू 3/2 K2 लिख सकते हैं हम इसको, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 1.5 times K2। हम K3 को लिख सकते हैं K3 विल बी इक्वल टू 1/3 of K2, या फिर हम लिखेंगे 0.333 of K2। ये हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया K1 और K3 में। अब बात करते हैं, हमको पता है क्योंकि फ्लो हो रहा है ऐसा पैरेलल, तो डिस्चार्ज सब में सेम रहेगा, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 रहने वाला है, ये हमको पता है रिलेशनशिप क्या है, Q1 विल बी इक्वल टू Q2 विल बी इक्वल टू Q3। अब हम सारी वैल्यूज पुट अप करते हैं, K1 इंटू डेल्टा H1 डिवाइड बाय L1 इंटू A1 इज इक्वल टू K2 डेल्टा H2 डिवाइड बाय L2 इंटू A2 इज इक्वल टू K3 डेल्टा H3 डिवाइड बाय L3 इंटू A3। सारे K को हम लोग क्या में पुट अप करेंगे K2 के टर्म्स में, तो 1.5 K2 और 0.33 K2। K1 की जगह हम लोग पुट अप करेंगे 1.5 K2। डेल्टा H1 आपको पता नहीं है, L1 आपको पता है लेंथ ऑफ सॉइल 1 इज 200 mm। एरिया की जगह क्या पुट अप करेंगे, एरिया ऑफ 1 क्योंकि हमको पता है डायमीटर की 1 है 110, तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर होगा, सारे एरिया कैसे होंगे डायमीटर वाले हैं, पाई बाय 4 डी स्क्वायर होंगे, तो हम डायरेक्टली डी डी स्क्वायर पुट अप करेंगे, डी की वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 का स्क्वायर। K2 की जगह पुट अप करेंगे, K2 की जगह K2 ही रहने देंगे। डेल्टा H2 लेंथ ऑफ सॉइल 2 इज 200 इंटू एरिया ऑफ 2 की जगह पुट अप करेंगे पाई बाय 4 डी स्क्वायर, दैट इज 220 का स्क्वायर, क्योंकि पाई बाय 4 तो सब में कैंसिल हो जाने वाला है। K3 आपको पता है, K3 की जगह पुट अप करेंगे 0.33 K2 0.333 K2 इंटू डेल्टा H3 डिवाइड बाय H3 की लेंथ इज 200 mm इंटू एरिया आ जाएगा आपके पास 200 का स्क्वायर। इनको जब हम अब कैलकुलेट करेंगे तो हमको कुछ वैल्यूज मिलेंगी, K2 देखिए सब जगह कैंसिल हो जा रहा है, K2 कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा H1 डेल्टा H2 और डेल्टा H3 में एक रिलेशनशिप मिलेगा, क्या रिलेशनशिप मिल रहा है देखो, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको डेल्टा H1 H2 और H3 में रिलेशनशिप मिल रहा है, क्या रिलेशनशिप है मैं लिख दे रहा हूँ उसको, डेल्टा H1 इज इक्वल टू 2.67 times डेल्टा H2। डेल्टा H3 इज इक्वल टू 9.07 H2 डेल्टा H2 है ना। तो ये हमारे को हमें ये वाली वैल्यूज मिल रही है 9.07 डेल्टा H2 हमको पता है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इनको जब हम सॉल्व करें तो क्या वैल्यूज आती है मैं वो भी लिख देता हूँ, अभी मेरी जो वैल्यूज आई है 90.75 डेल्टा H1 इज इक्वल टू 242 डेल्टा H2 इज इक्वल टू 115.56 डेल्टा H3 है ना। इन जो रिलेशनशिप है 90, ये वाली जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप से हमने ये वाली वैल्यूज निकाली इन टर्म्स ऑफ डेल्टा H2 सब कुछ निकाल लिया, क्योंकि हमको निकालना भी डेल्टा H2 है, तो हमने सारी चीज़ों को डेल्टा H2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है ना। हमारी कहानी डेल्टा H2 निकालने की है। अब देखिए हमको पता है हेड लॉस इन सॉइल 1 प्लस हेड लॉस इन सॉइल 2 प्लस हेड लॉस इन सॉइल 3 इज इक्वल्स टू टोटल हेड लॉस। व्हाट इज द टोटल हेड लॉस, 500 mm माइनस 150 mm, दैट इज 350 mm का टोटल हेड लॉस है। तो हम बोलेंगे डेल्टा H1 की जगह पुट अप करेंगे 2.67 H2 प्लस डेल्टा H2 प्लस 9.07 डेल्टा H2 इज इक्वल्स टू 350 mm। तो हमारा डेल्टा H2 आ रहा है 60.76, डेल्टा H2 कम्स आउट टू बी 60.76 mm। जैसे ही हमको डेल्टा H2 आ गया, हमारी कहानी क्या है निकालने की, डेल्टा H2 आ गया, हमको निकालना है I, लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I। सो I विल बी इक्वल टू डेल्टा H2, हाइड्रोलिक एंड ऑफ सॉइल 2 विल बी डेल्टा H2 डिवाइड बाय लेंथ ऑफ 2। डेल्टा H2 इज 60.76 mm एट अ डिस्टेंस ऑफ 200।
आई टू की वैल्यू आई 0.3038, 0.3038। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हो गया। सिंपल तरीके से वही वही चीज़ें लग रही हैं, कॉन्सेप्ट हमको समझना है। एक चीज़ हमको ये समझना है कि डिस्चार्ज जो है तीनों में सेम रहने वाला है, एक चीज़ हमको समझना है कि हेड जो है एडिटिव है। लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। एन इम्परवियस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ द 3 परवियस सॉइल्स एज शोन इन द फिगर। द हेड लॉस इन सॉइल 1 इज ऑब्जर्व टू बी 2 टाइम्स द हेड लॉस इन सॉइल 2 एंड 2/3 द हेड लॉस इन सॉइल 3। ये इस तरीके का एक क्वेश्चन डायग्राम जो है गेट में आया हुआ है, हमने इसको थोड़ा बहुत चेंज करके मॉडिफाई करके इसमें कुछ चीज़ें पूछी हुई हैं। देखो, हेड लॉस इन सॉइल 1 इज ऑब्जर्व्ड टू बी 2 टाइम्स द हेड लॉस इन सॉइल 2। डेल्टा एच वन को आपको क्या मिला, 2 टाइम्स हेड लॉस इन सॉइल 2 एंड 2/3 द हेड लॉस इन सॉइल 3, 2/3 द हेड लॉस इन सॉइल 3। ये हमको रिलेशनशिप दिया हुआ है। व्हेन अ पीजोमीटर वॉज इंसर्टेड पॉइंट बी जंक्शन ऑफ सॉइल 1 एंड सॉइल 2 द वाटर लेवल राइज वॉज ऑब्जर्व 12.5 मीटर। जब पॉइंट बी पे कोई पीजोमीटर को इंसर्ट किया गया है ना, जब पॉइंट बी पे पीजोमीटर को इंसर्ट किया गया तो हमको कितना लेवल मिला, जब पॉइंट बी पे पीजोमीटर इंसर्ट किया था द लेवल वॉज फाउंड टू बी 12.5 मीटर्स, 12.5 मीटर्स। तो आपसे पूछ रहे हैं द वाटर लेवल एच, ये एच वाली वैल्यू कितनी होगी, अप टू विच वाटर विल राइज इन डाउन स्ट्रीम ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन मीटर्स। तो आपको अभी तक के हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम कैपिटल डेल्टा एच गिवन होता था, पॉइंट ए और बी पे टोटल डेल्टा एच डेल्टा एच गिवन होता था और हम किसी एक पॉइंट पे निकाल लेते थे। अब हम देखो डेल्टा एच वन हमको गिवन है, डेल्टा स्मॉल डेल्टा एच वन निकालना है, गिवन है, हम उसकी हेल्प से क्या निकालेंगे, कैपिटल डेल्टा एच। देखो कैसे निकालेंगे, तो हम लिख लेते हैं डेल्टा एच वन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा एच टू। सबसे पहली चीज रिलेशनशिप में क्या गिवन है हमको, 2 टाइम्स डेल्टा एच टू एंड 2/3 डेल्टा एच थ्री। ठीक है, ये हमको गिवन है। तो डेल्टा एच वन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा एच टू एंड 2/3 डेल्टा एच थ्री। सभी चीजों को लिख लेते हैं। देखो अब हम पॉइंट आउट कर रहे हैं यहां पे वैल्यूज, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स के नाम देते हैं। लेट अस अज्यूम दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट क्यू, दिस इज द पॉइंट सी, है ना, पॉइंट सी। पॉइंट बी तो आपको गिवन ही है, तो मतलब पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट क्यू। पॉइंट ए पे आपको एनर्जी गिवन है 15 मीटर, पॉइंट बी पे आपको एनर्जी गिवन है कितनी, 20 मीटर्स। पॉइंट बी पे एनर्जी आपको गिवन है 12.5 मीटर्स। पॉइंट बी पे आपको गिवन है पीजोमीटर को इंसर्ट किया तो 12.5 मिला। सी पे अननोन है और आपको क्यू पे निकालना है, हमको निकालना कहाँ पे, क्यू पे। आपको पता है ए से बी के बीच में जो एनर्जी लॉस हो रही है कितनी हो रही है, डेल्टा एच वन। बी से सी के बीच में एनर्जी लॉस हो रही है कितनी हो रही है, डेल्टा एच टू। सी से क्यू के बीच में जो एनर्जी लॉस हो रही है कितनी हो रही है, डेल्टा एच थ्री। बस सिंपल निकालते जाएंगे, पॉइंट ए से बी के बीच में जो एनर्जी लॉस हो रही है दैट इज डेल्टा एच वन। तो डेल्टा एच वन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डेल्टा एच वन इज इक्वल्स टू 15 - 12.5 दैट इज 2.5 मीटर्स। तो अगर हमको डेल्टा एच वन पता है तो क्या हम डेल्टा एच टू निकाल सकते हैं, व्हाट इज डेल्टा एच टू, डेल्टा एच टू इज इक्वल्स टू डेल्टा एच वन डिवाइड बाय टू दैट इज 2.5 डिवाइड बाय टू दैट इज 1.25। तो हम बोलेंगे यहां से यहां में कितना एनर्जी का लॉस हुआ, 1.25। तो अगर यहां पे स्टार्टिंग में 12.25 थी, एनर्जी का लॉस हुआ 1.25, तो कितनी एनर्जी बची होगी यहां पे, एनर्जी रिमेनिंग इज 11.25। कितनी एनर्जी बची, 11.25। अब बात करते हैं सी से क्यू के बीच में, तो हम बोलेंगे डेल्टा एच थ्री हेड लॉस इन सॉइल थ्री, हेड लॉस इन सॉइल थ्री इज 3.1.5 टाइम्स डेल्टा एच वन। ये रिलेशनशिप आएगा हमारे पास यहां से, तो डेल्टा एच थ्री कितना है, 1.5 टाइम्स डेल्टा एच वन। डेल्टा एच वन की वैल्यू आपको पता है कितनी है, डेल्टा एच वन की वैल्यू 2.5, तो 1.5 इंटू 2.5 वैल्यू कम्स आउट टू बी 3.75। तो हम बोलेंगे डेल्टा एच थ्री कितना है, 3.75। तो हम बोलेंगे सी से लेकर क्यू तक के में कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, सी से लेकर क्यू में एनर्जी का लॉस हुआ 3.75 mm। तो क्यू पे कितनी एनर्जी बचेगी, जब आप क्यू पे बाहर आओगे तो कितनी एनर्जी बचेगी, द एनर्जी रिमेनिंग विल बी 7.5 मीटर्स। तो जो एच की वैल्यू है कितनी है, 7.5 मीटर्स।
जो क्यू पे एनर्जी होगी वही एच की एनर्जी होगी, तो एच पे आपको कितना हेड मिलेगा, 7.5 मीटर्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको हेड्स में रिलेशनशिप गिवन है, तो हम डायरेक्टली इस तरीके से वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th और 10th साथ में दिए हुए क्वेश्चन है, इनको साथ में सॉल्व करेंगे। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, अ ड्रेनेज पाइप बिकम्स कंप्लीटली ब्लॉक्ड ड्यूरिंग अ स्टॉर्म बाय अ प्लग ऑफ सैंड 1 मीटर लॉन्ग। ये देखिए आप, एक सैंड का प्लग, यहाँ पे सैंड जो है इकट्ठा हो गई है ड्रेनेज में, है ना, तो जो पाइपलाइन है उसमें 1 मीटर की सैंड इकट्ठी हो गई है, फॉलोड बाय अनदर प्लग ऑफ क्ले एंड सिल्ट मिक्स 0.5 मीटर लॉन्ग। यहाँ पे एक और क्ले और सिल्ट का मिक्सचर है जो कि 0.5 मीटर लॉन्ग है, तो दो टाइप की सॉइल यहाँ पे आके इकट्ठी हो गई है। द डायमीटर ऑफ द ड्रेनेज पाइप इज 5 सेंटीमीटर, आपको इस ड्रेनेज पाइप का डायमीटर गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, द एक्यूमुलेटेड वाटर अबव ग्राउंड लेवल वॉज 0.6 मीटर्स, आपको ये एक्यूमुलेटेड वाटर अबव ग्राउंड लेवल वॉज गिवन 0.6 मीटर, इसका डायग्राम में भी उन्होंने दिखाया है 0.6 मीटर क्या चीज़ है। इफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द क्ले सिल्ट मिक्सचर इज 1/4 ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ सैंड, अगर हम इसको सॉइल 1 बोलें, इसको सॉइल 2 बोलें, तो हम सिंपल क्या बोल सकते हैं, K2 इज इक्वल्स टू 1/4 K1, सिंपल टर्म्स में बात हो जाएगी। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ क्ले सिल्ट मिक्सचर इज 1/4 परमेबिलिटी ऑफ सैंड, तो सैंड की परमेबिलिटी हमने 1 मानी, इसकी 2 मानी, तो K2 इज 1/4 K1। ठीक है, देन द एवरेज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ क्ले सिल्ट मिक्स BC इज, आपको I2 फाइंड आउट करना है, सॉइल 2 का I फाइंड आउट करना है, आई क्या रहेगा वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमको टोटल एनर्जी कितनी लॉस हो रही है हमको पता है, हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं इस चीज को। सबसे पहले हम H1 और H2 में रिलेशनशिप निकाल लेते हैं, और हम निकालेंगे डेल्टा H2 कितना आ रहा है, जैसे ही हमको डेल्टा H2 मिलेगा वैसे ही हमको I मिल जाएगा। सबसे पहले काम क्या करते हैं हम लोग, हमको पता है कि क्योंकि पैरेलल फ्लो है, क्यू इन सॉइल 1 विल बी इक्वल टू क्यू इन सॉइल 2। क्यू इन सॉइल 1 का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, K1 डेल्टा H1 L1 इंटू A1 इज इक्वल टू K2 डेल्टा H2 इंटू L2 इंटू A2। ठीक है, K1 के बारे में आपको गिवन है, K1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स K2, तो 4 टाइम्स K2 इंटू डेल्टा H1 डिवाइड बाई लेंथ ऑफ सॉइल 1 कितनी गिवन है 1 मीटर्स। एरिया क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, तो एरिया और एरिया कैंसिल हो गई, इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं हमको। K2 की जगह क्या पुटअप करेंगे, K2 की जगह आपको K2 ही रहने देना है, डेल्टा H2 डेल्टा जगह H2 रहने देना है, लेंथ ऑफ 2 गिवन है 0.5 मीटर्स, सॉइल 2 की लेंथ गिवन है 0.5 मीटर्स। अब हम देखो क्या लिखेंगे, K1 और K2, K2 और K2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा डेल्टा H1 और डेल्टा H2 में रिलेशनशिप, तो हमको मिल रहा है 2 टाइम्स डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H2, 2 टाइम्स डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H2, तो डेल्टा H2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा H1 हमको यहाँ से रिलेशनशिप मिल रहा है। हमको पता है टोटल हेड लॉस विल बी इक्वल टू हेड लॉस इन सॉइल 1 प्लस हेड लॉस इन सॉइल 2। क्या हम टोटल हेड बता पा रहे हैं कि यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है, टोटल एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है, तो आप देखो पॉइंट ए पे कितनी एनर्जी है और पॉइंट सी पे कितनी एनर्जी है, उससे हम निकाल पाएंगे इस चीज को बड़ी आसानी से। पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी यही है और पॉइंट सी पे टोटल एनर्जी 0 है, पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी कितनी है 2.5 प्लस 0.6, 2.5 प्लस 0.6 की टोटल एनर्जी यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3.1 मीटर्स, ये वाली वैल्यू कितनी है 3.1 मीटर्स। तो हम बोलेंगे टोटल हेड कितना है, टोटल हेड एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है, टोटल हेड का लॉस इज हाउ मच, 3.1 माइनस 0, दैट इज 3.1, तो यहाँ पे हम पुट अप करते हैं 3.1 मीटर्स, डेल्टा H1 की जगह हम पुट अप करेंगे डेल्टा H2 बाई 2, डेल्टा H2 बाई 2 प्लस डेल्टा H2, तो हमारे को डेल्टा H2 की वैल्यू मिल जाती है, डेल्टा H2 हेड लॉस इन सॉइल 2 इज इक्वल टू 2.067 मीटर्स, तो हमको I2 की वैल्यू मिल जाएगी, I2 विल बी डेल्टा H2 डिवाइड बाई लेंथ ऑफ 2, व्हाट इज डेल्टा H2, 2.067 डिवाइड बाय लेंथ ऑफ सॉइल 2, व्हाट इज लेंथ ऑफ सॉइल 2, सॉइल 2 का लेंथ है 0.5 मीटर्स, 0.5 मीटर, तो I2 की वैल्यू गिवन, I2 वैल्यू कम्स आउट टू बी
4.133, ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ आई टू. आई टू वैल्यू कम आउट टू बी 4.133. तो हमको स्टार्टिंग पे इस पॉइंट पे स्टार्टिंग एनर्जी कितनी है ये आपको गिवन है 3.1. सी पॉइंट पे आपको पता है कोई एनर्जी नहीं है, अगर आपने इसको डेटा मान रखा है देर इज नो एनर्जी ओवर हियर. ए पॉइंट पे जो एनर्जी इतनी है, सी पॉइंट पे एनर्जी जीरो है ना. तो ए और सी के बीच में हमको डिफरेंस मिल गया. अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, इफ द रेट ऑफ सीपेज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ड्रेनेज पाइप इज 120 लीटर्स पर आवर द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सैंडी सॉइल ए बी इज. द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सैंडी सॉइल ए बी इज. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है, क्यू इज इक्वल टू के आई ए लगाना है. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया. डेल्टा एच वन निकाल लेंगे, हमको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सैंडी सॉइल के वन, हमको फाइंड आउट करना है के वन. हमको क्यू इज इक्वल टू के आई ए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. Q की वैल्यू आपको गिवन है 120 लीटर्स पर आवर. सबसे पहले इसी ऊपर काम करेंगे. 120 लीटर्स, लीटर्स मतलब हमको पता है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना. तो हमको पता है 1 लीटर इज इक्वल्स टू, हम बोलेंगे 10^-3 m³. 10^-3 m³ इज 1 लीटर्स डिवाइडेड बाय आवर्स इज इक्वल्स टू, कि हमको पता नहीं है, आई की वैल्यू हमको पता है डेल्टा एच वन डिवाइड बाय लेंथ ऑफ सॉइल वन इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है द डायमीटर ऑफ ड्रेनेज पाइप इज 5 सेंटीमीटर. तो हम बोलेंगे 5 मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, 5 × 10^-2 का स्क्वायर पाई बाय 4d². तो हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया. ठीक है, लेंथ ऑफ सॉइल वन आपको पता है, लेंथ ऑफ द सॉइल वन की जगह पुट अप कर लेते हैं 1 मीटर्स. ठीक है, अब हमको यूनिट काय में चाहिए, हमको चाहिए मीटर्स पर डे में. व्हाट डू वी वांट, वी वांट यूनिट्स इन मीटर पर डे में पूछा आपसे. तो आर को भी हम लोग काय में कन्वर्ट कर लेते हैं डे में. 1 आवर, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं, तो हम 24 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो 24 × 120 × 10^-3 m³ इज इक्वल्स टू के इंटू डेल्टा एच वन. हमको हमने लास्ट क्वेश्चन डेल्टा एच टू फाइंड आउट किया था, उसी तरीके से हम लोग डेल्टा एच वन भी निकाल सकते हैं, विच इज 4.134 डिवाइड बाय 1 मीटर इंटू 5 × 10^-2 का होल स्क्वायर इंटू पाई बाय 4. इससे हमारा के निकल के आता है के ऑफ सॉइल वन. के ऑफ सॉइल वन इज कमिंग आउट टू बी 0.355 मीटर पर डे. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चन हुए जो एक लेवल से दूसरे लेवल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हो गए. हम लोग थोड़ा लेवल और रेज करेंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस लाइक दिस, थोड़े और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे सीपीएच के क्वेश्चंस भी देखेंगे. ठीक है, लेट्स चेक द नेक्स्ट वीडियो.